आज आप बनावा गोलगप्पा। इनमें मैं लिए है पाइयो आटो, 50 ग्राम सूजी, थोड़ो सो मीठो सोडो है, मिक्स करके गर्म पानी में गूंद लियांगा। आटो इसे गूंदांगा जे रोटी पकाए बिछो। काटो काटो उसमें सुनो, आटो गूंद के गिल्ला कपड़ा में आधा घंटा के लिए ढक दियांगा। अब अपनो आटो सुनो तैयार हो गयो है, इसे काटो काटो जे रोटी पवा इस आटो है। अभी ने गिल्ला कपड़ा ढक दे से आधा घंटा खातर, गिल्लो कपड़ो है ऊपर लगा के आधा घंटो रख दे से। अब आप पानी तैयार कर लिया गोलगप्पा का। अब आप गोलगप्पा में पानी बनाने खातर दो हरी मिर्च है, थोड़ा सा पुदीनो है, और मिक्सी में पीस लिया। एक लीटर पानी लियो है मैं, इसमें एक चम्मच नमक है, एक चम्मच जलजीरो, आधा चम्मच जीरो है बुंदेड़ो पीसेड़ो, वही मिली को पानी है वही मैं गिर लिया। पुदीनो हरी मिर्च पीसेड़ी है यही इंगमा गिर लिया, और थोड़ा सा धनियो है काटेड़ो। अब आप बनावा गोलगप्पा का मसालो। ये मीठा उबलेड़ा आलू लिया है मैं, थोड़ा प्याज है काटेड़ा, थोड़ा सा नमक है, आधा चम्मच मिर्ची है, थोड़ा सा गोलगप्पा का पानी वही मैं गिर लूँ मैं, पानी थोड़ा मिक्स कर लिया। अब अपना मसालो तैयार हो गया है अच्छी तरह। अब आप गोलगप्पा बनावा, आधा घंटा हो गया है आटा गुनिया ने। अब गोलगप्पा बनाऊंगा, अब अपना आधा घंटा हो गया है। अब आटो थोड़ा दूसरा गूंदा सा और मार लिया, थोड़ा सा और सुन लिया दूसरा सही हो जाएगा। अभी दूसरा थोड़ा सुनो और सुनने के बाद देंगे थोड़ा सा तेल लगा दिया। तेल लगाने के बाद में क्या चिपका को नहीं, अब आप इसी पतली पतली लोई बना लेंगे यहाँ, फिर छोटा छोटा पेड़ा कट कर लेंगे, चाहे सकूँ कर लिया यहाँ चाहे भले हाथों कर लिया, छोटा 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 यहाँ ने छोटा छोटा पेड़ा कट करके फिर रोटी बेल लेंगे छोटी छोटी। अब आप एक एक करके सारा ने बेल लिया। अब हम तेल में तलना शुरू कर सियाँ, तेल आप गर्म हो रहे हो इं ऊपरलो पासो, ऊपरलो पासो नीचे रखना है करके, करके तेल का मांग घेर दे। ये बापा सारा गोलगप्पा काट ले से,
अब सुनहरा हो गया लाल लाल, अब अपन तेल मुबारक काट लेना, ज्यादा रखे ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अपने गोल गोपा एकदम तलगे तैयार है, एकदम बढ़िया देखो कितना करारा है, इसे करते ही उड़ जाती है एकदम अच्छी तरह से, बिल्कुल बाजार जैसा ही है, एकदम मस्त है।